प्राइस एक्शन को जब हम थियोरिटिकली समझते हैं तो तो वो बहुत इजी लगता है पर जब बारी आती है लाइव ट्रेडिंग की तब प्राइस एक्शन एक्शन उतनी इजी दिखती नहीं है इस वीडियो में में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग प्राइस को कैसे डिकोड किया जाए हम कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की टूल यूज करें पर प्राइस एक्शन की समझ होना बहुत ही आवश्यक है ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज करता है तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट जो है आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड देन थर्ड पॉइंट है टेकिंग एक्शन विद द हेल्प ऑफ चार्ट पैटर्न एंड कैंडलिस्टिक पैटर्न विद मेंटेनिंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट तो पहले ट्रेंड को समझते हैं चलिए तो पहले आप ट्रेंड में देखते हैं प्राइस का एक्शन कैसे होता है प्राइस अप्रेन में हायर हाइट्स और हायर लोस बनाता है ये हो गया हायर लोस एंड ये हो गया हायर हाइट्स बट प्रैक्टिकल में ये ऐसे मूव तो प्राइस करता नहीं है प्राइस कैसे मूव करता है प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फर्स्ट मोमेंटम होता है इम्पल्सिव मूव एंड सेकेंड मोमेंटम होता है पुल बैक तो इम्पल्सिव मूव कौन सा है जब प्राइस ये हाई को क्रॉस करके ऊपर हाई बनाएगा तो ये होगा प्राइस का इंपल्सिव मूव और पुल बैक मूव क्या है यहां से जब प्राइस पुल बैक करता है विदाउट ब्रेकिंग द लो तो ये लो जो है इसको ब्रेक नहीं करना है ये ब्रेक नहीं करके अगर प्राइस पुल बैक देता है ये हो गया हमारा पुल बैक जो लो है प्राइस का वो ब्रेक नहीं करना चाहिए तो प्राइस क्या करता है प्राइस इम्पल्सिव मूव लेता है फिर थोड़ा सा ब्रीथ करता है फिर प्राइस थोड़ा सा इंपल्सिव मूव लेता है एंड देन अगेन प्राइस ब्रीथ करता है तो ये ब्रीदिंग टाइम है प्राइस का ये ब्रीदिंग टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो अगर प्राइस डायरेक्टली वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो प्राइस और ऊपर नहीं जा सकता है प्राइस में फॉल आ जाएगा प्राइस तभी ऊपर जाता है जब वो ये मूव लेता है ये पुल बैक मूव लेता है अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो पहले बोला था कि लोअर लोस कांट बी ब्रोकन क्योंकि ये जो लोअर लोस है ये सपोर्ट है प्राइस का तो मैंने पहले भी एक वीडियो में जैसे बताया था कि फर्स्ट सपोर्ट अगर प्राइस ब्रेक करता है तो वो साइडवेज मार्केट या फिर वोलाटाइल मार्केट हो जाता है प्राइस अगर सेकेंड सपोर्ट ब्रेक कर दे तो ये रिवर्सल पैटर्न है तो इसीलिए प्राइस को लो ब्रेक नहीं करना है लो नहीं ब्रेक करके अगर पुल बैक आता है तो फिर ठीक है अब डाउन ट्रेन का देखते हैं डाउन ट्रेन में प्राइस क्या करता है लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता है लोअर हाइज लोअर इसमें इंपल्सिव मूव क्या है प्राइस जब ये लो ब्रेक करके नीचे नीचे क्लोज देगा आ जाएगा फिर ये हो गया, का प्राइस, ये हो गया प्राइस का इंपल्सिव मूव एंड जब प्राइस ऊपर पुल बैक दिस इज अल बैक मूव दिस इज इंपल्सिव मूव इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये लोअर हाइज प्राइस का ब्रेक नहीं करना चाहिए तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ये लोअर हाइज को ब्रेक नहीं करना चाहिए यहाँ के आसपास से प्राइस फिर नीचे

रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करना चाहिए बिकॉज़ रेजिस्टेंस होगा। ये सपोर्ट अप ट्रेंड में कौन सा है हाईअर लोज दिस इज द सपोर्ट लो है सपोर्ट एंड डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस कौन सा है लोअर हाई सो अप्रेंड में हमेशा हम लोग लो को देखेंगे हाई को नहीं देखेंगे लो इज इंपॉर्टेंट इन अप्रेंड टू फाइंड दैट प्राइस इज स्टिल इन

इन साइडवेज या फिर वोलाटाइल मार्केट से क्योंकि ट्रेड इन मार्केट ज्यादा प्रॉफिट भी देता है एंड इट्स अ लॉट मोर इजियर टू टेक द ट्रेड देन टू फाइंड आउट द टॉप्स एंड बॉटम्स मार्केट में कौन सा टॉप होगा और कौन सा बॉटम होगा ये बहुत ही डिफिकल्ट है फाइंड आउट करने के लिए लेकिन ट्रेंड बहुत इजीली फाइंड आउट हो सकता है एंड ये बहुत इजी ट्रेडिंग है तो यहाँ पे देखिए प्राइस क्लियरली डाउन ट्रेंड में है यहाँ क्योंकि प्राइस का लोअर हाइज एंड देन लोअर लोस बना रहा है प्राइस ने ये इम्पलसिव मूव दिया ये प्राइस का इम्पलसिव मूव था फिर प्राइस ने थोड़ा पुल बैक दिया दिस इज द पुल बैक मूव एंड देन प्राइस ये लो क्रॉस करके नीचे क्लोज किया ये हो गया प्राइस का इम्पलसिव मूव फिर प्राइस ऊपर गया, गया ये हो गया पुल बैक मूव देन प्राइस से नीचे आया लेकिन ये वाला जो लो है ये अभी तक ब्रेक नहीं किया तो अभी तक इम्पल्सिव मूव प्राइस में नहीं आया यहाँ से नीचे आया आया था था पे हमारा रेजिस्टेंस ऊपर ऊपर गया गया नीचे लो को ब्रेक नहीं कर पाया फिर अभी भी इंपल्सिव मूव नहीं है फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया अब क्या क्या प्राइस प्राइस एक रेंज के अंदर है उसके बाद प्राइस क्या किया ये रेंज तोड़ के ऊपर चला गया जब ये रेंज तोड़ रहा प्राइस ने ये रेंज बना के तब ये एक, एक अप ट्रेंड का सिनारियो बन गया उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस तोड़ता है प्राइस एंड देन इट विल बी एन अप्रेंड तो देखते हैं प्राइस में इसके बाद क्या मूवमेंट आता है ये तोड़ के ऊपर चला गया फिर नीचे आया ये पुल बैक मूव था फिर ऊपर चला गया ये इम्पल्सिव मूव था प्राइस का दिस इज एन इम्पल्सिव मूव फिर प्राइस क्या किया दोनों सपोर्ट जो था दोनों सपोर्ट के पास ये जब पहला सपोर्ट के पास आया तब तक ये डाउन ट्रेंड में गया नहीं लेकिन जब ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया देखते हैं यहाँ पे ये सपोर्ट जब ब्रेक कर दिया प्राइस तब ये डाउन ट्रेंड में चला गया एंड देन प्राइस कम अप दिस इज एन इम्पलसिव मूव ये पुल बैक मूव हो गया प्राइस इज नॉट डूइंग एनीथिंग रेंज में बना रहा फिर रेंज ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे रेंज में था रेंज ब्रेकआउट दिया एंड देन प्राइस देस अगेन मेड एन इम्पल्सिव मूव मार्केट एक स्टेज की तरह जाता है प्राइस नीचे आता है यहाँ पे थोड़ा रेंज बनाता है फिर रेंज को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है फिर यहाँ पे रेंज बनाता है एंड देन ये रेंज को फिर से ब्रेक करके नीचे आता है फर्स्ट स्टेज जो है वो है डिक्लाइनिंग स्टेज जहाँ पे मार्केट नीचे आता है सेकेंड स्टेज जो है वो है एकोमुलेशन स्टेज यहाँ पे मार्केट एक्मुलेट करता है थर्ड जो स्टेज है वो है एडवांसिंग स्टेज यहाँ पे मार्केट अप ट्रेन में जाता है यहाँ पे डिक्लाइनिंग स्टेज में मार्केट डाउन ट्रेन में जाता है एकोमुलेट करता है फिर अप ट्रेंड में चला जाता है नॉन एडवांसिंग स्टेज और ये जो फोर्थ स्टेज है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज से कब डिक्लाइनिंग स्टेज में चला जाएगा जब मार्केट ये जो रेंज है वो ब्रेक करेगा तो ब्रेक इज इंपोर्टेंट टू गो फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज टू द डिक्लाइनिंग स्टेज और ये जो एकोमुलेशन जोन है इसको लेवल्स ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बायर्स या सेलर सेम रहता है जैसे डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है रेजिस्टेंस पावरफुल होता है और अपट्रेंड में क्या होता है एडवांसिंग स्टेज में सपोर्ट पावरफुल होता है लेकिन अकोमेशन स्टेज में क्या होता है अकोमेशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सेम पावर रहता है सपोर्ट में बायर्स एंड रेजिस्टेंस में सेलर्स सेम पावर रहता है उन दोनों का इसीलिए प्राइस ऊपर भी नहीं जाता नीचे भी नहीं रहता है प्राइस एक रेंज पे रह जाता है जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले एक सिनारियो में देखे हैं की प्राइस डिक्लाइन हो रहा था उसके बाद एक रेंज में था और फिर रेंज ब्रेकआउट दिया एंड देन प्राइस में अप ट्रेंड का रिवर्सल आया अब ये तो गया ट्रेंड पहला हमारा जो पॉइंट था प्राइस एक्शन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है उसके बाद हमें क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें एरिया पहले देखना है ट्रेंड क्या है अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो हम लोग सिर्फ सपोर्ट को फाइंड आउट करेंगे बिकॉज दिस विल बी द पावर अगर प्राइस का ट्रेंड डाउन है तो फिर हम लोग क्या करेंगे तो फिर सिर्फ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये पावरफुल होगा और अगर प्राइस रेंज में है जैसे एक्मुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होता है तब हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों को फाइंड आउट करके ट्रेड करना है तो चलिए एक चार्ट पे देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है प्राइस अप ट्रेंड में है तो हमें सपोर्ट फाइंड आउट करना है सपोर्ट अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट लेवल है क्योंकि यहाँ से प्राइस ने ये ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया है ये इम्पल्सिव मूव था इसके बाद प्राइस में अभी पुल बैक ही चल रहा है प्राइस में कोई अभी तक मोमेंटम है नहीं तो पुल बैक करके प्राइस इस सपोर्ट लेवल पे आया और सपोर्ट लेवल से ही प्राइस ने फिर से रिएक्ट किया तो ऐसे करके सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करना है और एक सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करते हैं चलिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया था यहाँ से ये वाला हाई ब्रेक किया एंड हायर हाईस बनाया तो ये एक इंपल्सिव मूव था तो प्राइस कहां से ऊपर गया प्राइस ये वाला पॉइंट से ऊपर गया तो ये हो गया हमारा एक सपोर्ट तो प्राइस उसके बाद क्या किया पुल बैक लिया दिस पॉइंट एंड ये पॉइंट पे सपोर्ट लेके फिर से प्राइस ऊपर चला गया देखिए अभी देखते हैं है, तो कहा प्राइस। प्राइस किया किया? ये वाला जो लू था वो लो ब्रेक करके नीचे क्लोज किया तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया प्राइस का ये रेजिस्टेंस के पास आके फिर से लो क्रॉस किया लेकिन ये लो इतना ज्यादा ब्रेक नहीं गया तो अभी भी रेजिस्टेंस इधर ही है प्राइस फिर से प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया देन नाउ इट हैज गिवन द क्लोजियर अभी ये वाला हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा अब प्राइस ने क्या किया नीचे आया ऊपर गया यहाँ से नीचे आया ये वाला एक बेस बना था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है और फिर देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था हमने ये लो ब्रेक करके क्लोज किया तो ये रेजिस्टेंस था और प्राइस करीबन ये रेजिस्टेंस के पास आके फिर से रिएक्ट किया ये रेजिस्टेंस से एक बार पुश तो किया नीचे लेकिन ये लो ब्रेक नहीं कर पाया मीन्स प्राइस में अभी दम खत्म हो रहा है स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है प्राइस ने फिर से एक बार ट्राई किया ये लो ब्रेक करने के लिए लेकिन फिर भी नहीं कर पाया अब प्राइस ने क्या किया ऊपर जाके कि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया इसको क्रॉस कर दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एक डिटेल वीडियो है तो वो अगर आप नहीं देखे होंगे तो ऊपर कहीं पर लिंक डाल दूंगी आप जाके देख सकते हैं अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ अगर हम लोग इंडिकेटर को साथ में लगाए तो इसके साथ हम लोग आर एस आई भी ऐड करके देख सकते हैं आर एस आई का जो ट्रेंडिंग सिनारी है उसको ऐड करना है वो आर एस आई का ट्रेंडिंग का वीडियो भी मैं ऊपर लिंक में डाल दूंगी आप जाके देख सकते हैं कि आर एस आई को इसमें ऐड करके हम लोग और ज्यादा प्रोबेबल ट्रेड ले सकते हैं अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो है टेकिंग एक्शन इसको हम लोग कैसे लेंगे इसको हम, हम कैंडलिस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न के हिसाब से लेंगे तो कैंडलिस्टिक पैटर्न में क्या देखना है अगर बाई हम लोग कर रहे हैं अगर लॉन्ग पोजिशन कर रहे हैं तो उसमें एक माराबुजो कैंडल या फिर एक हैमर टाइप कैंडल देखना है क्यों बोलिश माराबुजो कैंडल क्योंकि इसका क्लोज ऊपर हो रहा है मीन्स यहाँ पे नीचे नीचे ओपन हुआ था प्राइस फिर बायर्स ने इसको ऊपर लेके जाके क्लोज दिया और हैमर टाइप कैंडल क्यों क्या क्योंकि यहाँ पे ओपन तो हो रहा है फिर सेलर्स इसको नीचे लाए फिर सेलर्स को कैंसल आउट करके बायर्स पावर में आ गए और बायर्स फिर से यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाके क्लोज दिया तो ये हैमर टाइप कैंडल और ये मारा जो बुलिश कैंडल एक बाइंग सिनेरियो है सेलिंग के लिए क्या देखेंगे सेलिंग के लिए एक बेरिश कैंडल देखेंगे मीन्स जिसका क्लोज नीचे होगा और एक शूटिंग स्टार कैंडल देखेंगे ये दोनों हो गया हमारा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न अब चार्ट पैटर्न में हम देख सकते हैं डब्लू पैटर्न एंड एम पैटर्न फॉर बुलिश एंड बेरिश सिनेरियो दिस इज द बाय एंड दिस इज फॉर सेल और हम लोग देख सकते हैं V वी वीट सीनारियो फॉर बाइंग एंड रिवर्स वी सीनारियो फॉर सेलिंग क्योंकि मार्केट में कभी कभी वी टाइप रिकवरी होता है कभी कभी डब्ल्यू टाइप रिकब्लू और इम टाइप रिकवरी होता है and कभी कभी U type भी market में recovery होता है U and उल्टा U ये होगा buying scenario and ये हो, हो गया सेलिंग scenario ये तीनों को अगर आप याद रखो तो और कोई चार्ट पैटर्न की जरूरत नहीं होगी क्या होगा अगर बुलिश सीनारियो है तो प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है फिर जब पुल बैक आएगा तो पुल बैक के नीचे हमें देखना है चार्ट पैटर्न्स को अगर यहाँ पे वी टाइप रिकवरी आता है या फिर डब्ल्यू टाइप या फिर यू टाइप कोई भी रिकवरी आया उसको देख के हम बाय कर सकते हैं अगर सेलिंग सिनेरियो है मार्केट नीचे आया फिर पुल बैक हो रहा है मार्केट में यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास हमें देखना है कि यहाँ पे वी टाइप रिकवरी हो रहा है या फिर एम टाइप रिकवरी होता है या फिर रिवर्स यू टाइप रिकवरी हो रहा है रिवर्स वी या फिर रिवर्स यू टाइप रिकवरी हो रहा है और वहां पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट ऊपर गया लेकिन पुल बैक तो नहीं आया लेकिन मार्केट रेंज पे चला गया ये जब मार्केट रेंज पे आता है तो रेंज को हम लोग मार्क कर लेंगे अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें बुलिश सिनेरियो होगा सिमिलरली अगर मार्केट नीचे आ रहा है फिर पुल बैक नहीं हो रहा है लेकिन मार्केट रेंज पे चला गया तो क्या होगा रेंज को हम मार्क कर सकते हैं अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो फिर बेरिश सिग्नल होगा ट्रेंडिंग तो मार्केट के लिए अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो इसका यहाँ पे टारगेट हाई रखेंगे या फिर डाउन ट्रेंड में भी है कोई भी ट्रेन में है तो टारगेट हाई होगा अगर मार्केट साइडवेज या फिर वोला है तो फिर अगर हम लोग सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस होगा टारगेट अगर हम लोग रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं, तो सपोर्ट होगा टारगेट रेंज पे ज्यादा टारगेट नहीं मिलता है ये सिनेरियो ट्रेंडिंग मार्केट में टारगेट हम लोग ज्यादा रख सकते हैं अब बारी आती है टाइम फ्रेम का कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है हमारा दो टाइम फ्रेम है एक है लोअर टाइम फ्रेम जिसमें हम लेंगे ट्रेड यहाँ पे हम लोग एक्शन लेंगे एंड एक होता है हायर टाइम फ्रेम इस विल बी अ सेटअप टाइम फ्रेम तो लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा अगर हम लोग एक्शन ले रहे हैं फाइव मिनट्स चार्ट पे तो हमारा हायर टाइम फ्रेम बनेगा सेटअप टाइम फ्रेम बनेगा फिफ्टीन मिनट्स चार्ट अगर हम लोग फिफ्टीन मिनट्स पे ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा हायर टाइम फ्रेम बनेगा वन आवर या फिर टू आवर चार्ट अगर हम लोग वन आवर में एंट्री ले रहे हैं प्लेट प्लान करें तो हमारा डेली हायर टाइम फ्रेम होगा डेली चार्ट अगर हम लोग डेली में ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा हायर टाइम फ्रेम होगा वीकली चार्ट अब ये टाइम फ्रेम में देखना क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए स्ट्रेटजी है ये है टेसेट स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करती हूँ पहले भी हमने बताया था तो ये जो एसीटी है स्टॉप लॉस एंट्री एंड टारगेट वो हम लोग देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में और टीए है हमारा सेटअप दिस इज हमारा सेटअप है ये हम लोग देखेंगे हायर टाइम फ्रेम में तो टी ए होगा हायर टाइम फ्रेम में एंड एसीटी टी होगा लोअर टाइम फ्रेम में एसीटी टी के लिए एक्शन देखेंगे कि सेटअप की लॉस किधर है एंट्री किधर हो रहा है वो टारगेट हम लोग किधर प्लान कर सकते हैं और हायर टाइम फ्रेम में टीए मीन्स ट्रेंड देखेंगे जैसे पहला पॉइंट था हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड सेकेंड इज एरिया फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे अब चलते हैं चार्ट पे और ये इसको हम लोग प्लान करते हैं एक ट्रेड चलिए पहले हम लोग जूम ही अच्छा जूमआउट करके हमें पूरा एक्शन समझ में आता है ये हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दिया यहाँ से प्राइस गया तो ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल प्राइस जब सपोर्ट लेवल पे आता है विदुल यहाँ पे थोड़ा सा रहता है फिर पुल बैक लेके सपोर्ट पे आता है तो हम लोग वहां पे क्या देखेंगे हम लोग चले जाएंगे फाइव मिनट्स चार्ट पे तो यहाँ पे हम लोग एक मार्क कर लेते हैं चलिए इधर एक हम लोग व्हाइट से मार्क कर लेते हैं व्हाइट वर्टिकल लाइन सो दैट वी कैन फाइंड दिस इन द दाइव मिनट्स टाइम फ्रेम फिर फाइव मिनट्स टाइम फ्रेम में चले जाएंगे यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डब्ल्यू टाइप रिकवरी हुआ है मार्केट में कैसे इसको हटा देते हैं देखने के लिए थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं एंड देन लेट सी यहाँ पे प्राइस नीचे आया यहाँ पे ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर चला गया तो ये एक डब्ल्यू टाइप रिकवरी था एंड देन मार्केट हैज क्लोज अब दिस हाई तो ये जब क्लोज ऊपर कर रहा है विद अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग एंट्री ले सकते हैं और फिर हम लोग ये ट्रेड को राइड कर सकते हैं टिल इट ब्रेक एनी सपोर्ट एरिया अब चलिए एक वन आवर का सेटअप टाइम फ्रेम और फिफ्टीन मिनट्स का एक्शन टाइम फ्रेम लेके देखते हैं ट्रेड प्लान का यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आया यहाँ से ऊपर चला गया तो यहाँ पे एक सपोर्ट है प्राइस तो ये सपोर्ट को हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं चलिए यहाँ पे हम लोग सपोर्ट को एक मार्क कर लेते हैं विद वाइट लाइन एंड फिर फिफ्टीन मिनट्स पे जाके यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वाला फिफ्टीन मिनट्स का टाइम फ्रेम है यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले ये व्हाइट लाइन को हटा देते हैं फिर देखते है यहाँ से एक रेजिस्टेंस आ रहा था प्राइस का नीचे आया प्राइस थोड़ा देर रुका यहाँ पे फिर ऊपर गया ये थोड़ा सा यू टाइप रिकवरी हुआ है मार्केट में फिर प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया फिर तो जब ये रेंज ब्रेक कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है रेंज ब्रेक करके जब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से क्लोज करे तब हमारा एंट्री बनेगा देखते हैं यहाँ पे एंट्री था रेंज जब ब्रेक कर रहा था फिर प्राइस थोड़ा देर पुल बैक लेके ऊपर चला गया ये टैसेट स्ट्रेटेजी बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है इसको यूज करके एक पोजिशनल और स्विंग ट्रेड कैसे लिया जा सकता है उसके ऊपर वीडियो इधर है आप जाके देख सकते हैं और कमेंट करके हमें बताइए आपका अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई टॉपिक के ऊपर अगर आप जानना चाहते हो तो भी हमें लिख के भेज सकते हैं हैप्पी ट्रेडिंग बाय बाय